हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। दोस्तों, कार्तिक आर्यन अपनी नई फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर काफी एक्साइटेड है। उनकी ये फिल्म साल 25 मार्च को 2022 में रिलीज होनी है। फिल्म में कियारा आडवाणी, तब्बू और राजपाल यादव भी अहम रोल में हैं। आजकल के ट्वीट के मुताबिक फिल्म अगर थिएटर पर पहले रिलीज हो रही है तो वो महीने दो महीने बाद किसी न किसी OTT पर भी रिलीज होती है। कुछ ऐसा ही भूल भुलैया 2 के साथ भी होने वाला है। 25 मार्च को थिएटर पर रिलीज होने के बाद ये फिल्म Amazon Prime Video पर रिलीज होगी। Amazon ने इस फिल्म को अपने OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाने के लिए मेकर्स को 30 करोड़ रुपए दिए। उम्मीद है कि प्राइम वीडियो पर फिल्म अप्रैल के एंड तक रिलीज होगी। बात करें भूल भुलैया 2 की तो कार्तिक आर्यन साल 2007 में आई फिल्म भूल भुलैया के अक्षय कुमार की तरह नजर आएंगे। फिल्म से कार्तिक के कई लुक सामने आ चुके हैं। पहले पार्ट से राजपाल यादव भी इस फिल्म में होंगे, जबकि दूसरी और कोई कास्ट नजर नहीं आएगी। सारी स्टार कास्ट नहीं है। कार्तिक आर्यन के अभी तक के लुक के मुताबिक अभी वो पीले तो कभी काले रंग के कपड़ों में नजर आने वाले हैं। उनके हाथ और गले में रुद्राक्ष होगी और साइड में एक गेरुए रंग का बैग। कहा जा रहा था कि फिल्म में विद्या बालन भी मंजुलिका बनकर लौट सकती हैं, लेकिन ये सब महज एक अफवाह साबित हुई। डायरेक्टर अनीस बाजमी ने ही उनके ना होने का इशारा दे दिया था। हालांकि अभी भी फिल्म से कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। सस्पेंस अभी भी बना हुआ है, लेकिन कार्तिक आर्यन और कियारा को एक साथ इस फिल्म में देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तब्बू भी पहली बार इन सब के साथ नजर आएंगी। अभी तक ऐसा लग रहा है कि सिर्फ थीम पिछली ही फिल्म की होगी, लेकिन पिछली बार से अब की बार की कहानी एकदम अलग होने वाली है। ये अब कितना अलग होगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा, क्या अक्षय कुमार की एनर्जी को मैच कर पाएंगे कार्तिक आर्यन या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियो।